Hi, question says fill in the blank where we have 15 by 18 equals to some blank in the numerator divided by 6 and few more fractions are there. So we'll look for the first one right now. If we look at this, what should we multiply with 6 to get 18? We need to multiply 3. So if you multiply 3, we'll get 18 here. That implies whatever your number here would be. मतलब तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए 5, right? अगर 5 by 6 होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा 15 by 18. दूसरा तरीका क्या है चेक करने का ऐसे भी चेक कर सकते थे कि डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है सिक्स दिया है तो ये इसे सिक्स से डिवाइड करो अगर सिक्स से कैंसिल किया तो क्या आएगा ये थ्री तो थ्री सिक्स और ऊपर भी थ्री फाइव लिख सकते हैं ऐसे यस तो यहां से भी पता लग सकता है कि ये ब्लैंक से फिल होगी और राइट उसी तरह अगर मानो कि तुम्हें फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन कंपेयर करना है तो फर्स्ट फ्रैक्शन में है फिफ्टीन डिवाइडेड बाय एटीन और थर्ड फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है थर्ड फ्रैक्शन में दिया है टेन और डिनोमिनेटर में पता नहीं क्या आएगा तो डिनोमिनेटर में पता नहीं है बट यहाँ पर पता है हमें कि टेन के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे फिफ्टीन आने वाला है टेन के साथ थ्री बाई टू अब ये सोचना तो बहुत डिफिकल्ट है ना डायरेक्टली ऐसे कैसे सोचे कि फिफ्टीन मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो इसके लिए हम इस फ्रैक्शन को पहले रिड्यूस कर लेते फिफ्टीन बाई एटीन जो है ना इसे क्या लिख सकते हैं हम थ्री इंटू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इंटू सिक्स तो अब थ्री और थ्री जो सेम दिख रहे उन्हें तो हम मान लेते कि कैंसिल हो गए तो ये 5 by 6 हो जाएगा अगर ये फाइव बाई हुआ तो फाइव के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे टेन आएगा फाइव के साथ टू मल्टीप्लाई करोगे तो टेन आएगा तो वही टू सिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो अगर सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर देगा हमें ट्वेल्व उसका मतलब हुआ टेन बाय ट्वेल्व का जो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है वो भी फाइव बाय सिक्स और फिफ्टीन बाय एट का भी फाइव बाय सिक्स तो इन ऑल ये जो बॉक्स दिख रहा है वहां पर क्या लिखे हम वन और टू ट्वेल्व ऑल सिमिलरली अब लास्ट वाले के लिए करना है हमें लास्ट वाले को कंपेयर किससे करो वापस से फिफ्टीन बाय से किसी और फ्रैक्शन से करना चाहूँ तो तो कर सकते हो मतलब मानो फिफ्टीन बाय एटीन आप किसके बराबर सेकेंड वाला फाइव बाई सिक्स के बराबर है हाँ तो इसे भी कंपेयर कर सकते हो तुम किसके साथ ये ब्लैंक डिवाइडेड बाय थर्टी के साथ तो कैसे चेक करना है सिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे थर्टी आ रहा है सिक्स इंटू फाइव करने पे आ रहा है तो फाइव के साथ भी अगर मैं फाइव मल्टीप्लाई करूँ तो तो ऊपर नंबर आ जाएगा ट्वेंटी तो उसका मतलब जो ये बॉक्स है वहाँ पर ट्वेंटी लिखेंगे तो दूसरे फ्रैक्शन के साथ ये मैच हो जाएगा तो ये बॉक्सेस हमारे फाइव ट्वेल्व और ट्वेंटी फाइव से फिल होंगे थैंक यू